सैटरडे है एंड जनरली इट्स अ लेजी डे, और वीकेंड हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और अभी भी जो है वो बीच बीच में लोगों के मैसेज आ रहे हैं सैटरडे को भी, एंड वी कैन नॉट इग्नोर देम। उनको जो है वो रिप्लाई करना पड़ता ही है हम लोगों को। एंड यहाँ पर जो है वो वीडियो डे नंबर 617 की जो है वो एडिट होके तैयार हो चुकी है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं वीडियो एडिट करके डायरेक्टली पब्लिक करूँगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको जो है वो प्राइवेट रखता हूँ, एक दो बार खुद देख लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई इशू है कुछ है तो मैं उसको या तो वहीं एडिट कर देता हूँ या फिर दोबारा अपलोड कर लेता हूँ। ऑल दो हमारे साथ एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है कि मैंने यूट्यूब से ही एडिट किया था एंड वो वीडियो डिसेबल हो गई, एंड फॉर 3 to 4 hours जो है वो लोग ओपन नहीं कर पाए। फिर मुझे दो तीन दोस्तों का फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि जो व्हाट्सएप पे लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने जो है वो वीडियो को यूट्यूब एडिटर से ही जो है वो चेक की थी, और उसकी वजह से जो है वो वीडियो में भी शायद डिसेबल हो गई है 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैंने रिवर्ट बैक किए चेंजेस एंड सब जाके वीडियो चली। सो नेक्स्ट टाइम, अब एक टिप है अगर कोई यूट्यूबर और देख रहा है या कोई नया बंदा स्टार्ट करने वाला है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप वीडियो डालते हो तो खुद पहले चेक कर लो। मेरी बहुत ही बुरी आदत है, बहुत कम बार जो है वो चेक करता हूँ। सो आप जो है वो चेक कर लें कि आपको बाद में इशू ना हो। और ऑल द यूट्यूब एडिटर अच्छा फीचर है, बट पता नहीं वो वीडियो डिसेबल क्यों हुई थी। सो इट्स डे नंबर 18, वी होप दैट यू गाइज आर एट योर प्लेसेस। और आज भी जो है वो कुछ अलग न्यूज़ वगैरह के बारे में बात करेंगे लाइक वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड इट्स डे नंबर 18। और इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि मुझे अब जो है वो याद भी नहीं रहता कि हमारा कौन सा डे चल रहा है क्वारंटाइन का, क्योंकि आई एम एट माई प्लेस फ्रॉम लास्ट 20-25 days, मे बी मोर देन दैट। 15 मार्च के बाद से तो मैं ऑफिस भी नहीं गया हूँ। ऑल्दो क्वारंटाइन में हैं हम, बट फिर भी वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है, एंड इट्स सेम लाइक ऑफिस, क्योंकि हमारा जो है वो मेजरली कम्युनिकेशन और क्लाइंट मैनेजमेंट का प्रोसेस है एंड ओवरव्यू टू माई प्रोफाइल। तो वो जो है हमारा वो काम तो कहीं से भी हो सकता है, उस पर एज सच कोई इशू नहीं है। सो आज हम जो है वो बात करने वाले हैं, डे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल गया एंड बहुत कोशिश करें कि कुछ प्रोडक्टिव हो जाए, बट वीडियो एडिटिंग की सेवा और इस वीडियो बनाने के अलावा जो है वो कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं था। ऑल दो मैं जो है वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ अभी इन होम वर्कआउट के टाइम, होम क्वारंटाइन, होम लॉकडाउन के टाइम पे या क्वारंटाइन के टाइम पे, क्योंकि जनरली मेरे साथ ये होता है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे उसके बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, और 7:30 बजे के बाद जो है हम नई वीडियो पोस्ट करते हैं एंड फिर उसका प्रमोशन करते हैं, तो इतना टाइम नहीं बचता है कि वर्कआउट करूँ। दिन में करूँगा तो मैं पक्का सो जाऊँगा, तो इस चक्कर में मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी वर्कआउट को। एंड आज जो है वो मेन हम बात यही करने वाले हैं कि एक्सटेंशन का। मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात कर रहा था और आप लोगों को बता भी रहा था कि होगा होगा होगा। उसका रीज़न था कि हमारी पेस जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि NDTV की एक न्यूज़ थी कि जो हमारे केस डबल हो रहे थे कहीं 6 days में, फ्रॉम 23rd to 29th of March, और वही जो है वो आफ्टर 29th to 6th of April में वो 4 days के अंदर जो है वो डबल होना शुरू हो गए। तो ग्रोथ जो थी वो हमारी जो है इन केसेस की वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडी हो गई, एंड अगर इस हिसाब से रहा तो आज के डेट में अभी इस टाइम पे 7400 केसेस हैं। कल रात तक जो थे वो कुछ कम थे, समवेयर अराउंड 66 या 64, ऑलमोस्ट 1000 केसेस जो है वो इन अ डे आ गए। वही जो है वो कुछ स्टार्टिंग के डेज में सिर्फ 1000 ही थे। सो इसकी वजह से जो है वो एक्सटेंशन हुआ है लॉकडाउन का। साथ में अगर हम पैटर्न देखें, जो कि एक फेक पोस्ट चल रहा था कि WHO ने जो है वो ऐसा कुछ निकाला है कि इंडिया में ये हो सकता है, ऐसा कुछ पैटर्न है, उसको जो है वो उन्होंने मना कर दिया। इवन एक जो WHO की तरफ से स्पोक्स पर्सन है जो कि हमेशा आके बात करते हैं, जिनको जनरली लोग फॉलो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने गलती से बोल दिया था कि इंडिया में जो है वो 3rd stage जो कि कम्युनिटी स्प्रेड की है वो आ गई है, जबकि वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं था। दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक बड़ा ग्रुप था जिसकी वजह से थोड़े थोड़े जगहों पर जो है वो लोग इफेक्टेड हो गए। कम्युनिटी स्प्रेड की जो स्टेज होती है वो इससे बहुत ज़्यादा भयंकर होगी, और अगर ये लॉकडाउन जल्दी नहीं हुआ होता तो फॉर श्योर जो ये आज की डेट में हमारे 6400 केसेस या 7500 केसेस हैं वो कहीं ना कहीं
समवेयर अराउंड 45,000 होते हैं या 50, आई एम नॉट जोकिंग, कि मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इंडिया के मेजर लोग हैं जो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं रिलेटेड टू मेडिकल एंड ऑल, ऑल्दो मैं उनका नाम जो है वो नहीं याद रख पाया, आज भी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात को जो है वो अहमियत देते हुए बोला कि अगर हम लॉकडाउन और जल्दी नहीं करते तो हमारे लिए और प्रॉब्लम, साथ में कोई चांसेस ऐसे दिख भी नहीं रहे थे कि लॉकडाउन को जो है वो खोला जाए, हम सबको पता है कि लोगों में अभी भी जो है वो सीरियसनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर, आप लोग अपने इधर उधर एरियाज में भी देखेंगे, तो मैं जहाँ रहता हूँ मैं कितनी बार अपनी वीडियोज में शॉर्ट करके आप लोगों को बता चुका हूँ कि इतने अनपढ़ या लोअर क्लास लोग नहीं है जो ये इतने मैसेजेस के बाद भी जो है वो छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे, जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात ऐसे कि घर पे ही रहना है और बड़ी बात ऐसे कि नहीं रहोगे तो मर जाओगे, इससे ज्यादा हार्ड वर्ड्स मुझे नहीं लगता कि और या कुछ ऐसे और वर्ड्स होंगे जो आपको आपके घर पर रहने पर मजबूर करें, क्यों और सेलिब्रिटीज वगैरह जो है वो निकल के आते हैं और जो है वो आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है वो इनको जागरूक सोशल मीडिया नहीं कर सकता है, हमारा वीडियो बनाना भी बेकार है क्योंकि ऐसे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, वो कहीं और ही जी रहे, उनको लग रहा है ऑल्दो उन तक मैसेज सारे पहुंचते हैं, इंफॉर्मेशन सब पहुंचती है क्योंकि इतना बड़ा देश नहीं है हमारा, कहने को बात ही हमारी बहुत बढ़िया है इसलिए बातें उनके पास सब पहुंचती है लेकिन करना नहीं चाहते, और उसी का रीजन है कि जो है वो नंबर जो पहले जो है वो धीरे 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 1,000 तक पहुंचा था, वो पिछले कुछ दिनों के अंदर ही जो है वो पहुंच के 7500 7400 तक पहुंच चुका है, और तो रिकवरी के केस अराउंड 650 है और ये भी बढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उदा पर पहुंच जाए, सचेत रहना हमें और प्रिकॉशन लेनी है क्योंकि परमानेंट कोई ऐसा तोड़ या वैक्सीन नहीं है अभी तक हमारे पास, साथ में ये जो चीज है ये इकोनॉमिक प्रेशर भी तो दे रही है, वही जो है ये जल्दी खत्म होने के बजाय अगर वो सोचिए अगर वो 1,000 केसेस ही रहते अभी तक, हम जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड तो बंद ही कर चुके हैं ना, वो सब चीजें बंद रहती लेकिन एटलीस्ट हम अपने ही देश के अंदर तो काम कर सकते, जो डेली वर्कर्स हैं वो काम कर सकते हैं, प्रिकॉशन लेके काम कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन अभी भी हर जगह हो रहा है और अभी भी जो है वो प्रिकॉशन अच्छे तरीके से लिए जा रहे हैं, बट लोग थोड़े से और सचेत हों ताकि ये, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 महीने तक जाएगा और हो सकता है कि वो जाए भी, बट लोगों को थोड़ा सा सहानुभूति देने के लिए और उनको डराने के लिए और इसलिए जो है वो धीरे धीरे लॉकडाउन को आगे किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है और हो सकता है कि आगे ऐसे वाले टाइम में हो भी जाए, बट वी होप कि सिचुएशन जल्दी से रिकवर हो और लोग और थोड़ा सा सीरियस इस चीज़ को लें, ऑल्दो अभी तक सेंटर की तरफ से, डोंट गेट मी रॉन्ग ऑन दिस, अभी तक सेंटर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं बताया, ऑन सैटरडे टिल 9 PM कुछ भी न्यूज़ नहीं है ऐसी, बट येस जो आज बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, उसके बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट भी किया था एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट उसको और डिसीजन और पूरे हमारे देश को मद्देनजर रखते हुए सेंटर को स्टेट को जो है वो डिसीजन लेना है, आप और हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या अपने एरिया के बारे में सोचते हैं या अपनी स्टेट के बारे में सोचते हैं ज़्यादातर, लेकिन एक प्रधानमंत्री को और ऐसे बंदे को जिसको हम सब वोट करके नियुक्त करके लेके आते हैं, उसे अपने साथ साथ और राज्यों के, अपने राज्य के साथ साथ और राज्यों के बारे में भी सोचना है, इवन उसे इकोनॉमी का भी सोचना है, इवन उसे बाहर के देशों का भी सोचना है जिनके साथ ट्रेड होंगे, हो रहे थे या रुक गए हैं, सो वो सब चीज़ें भी उनको सोचनी है, सो टिल द टाइम आप ये लोग वीडियो देखेंगे, मुझे एक्सपेक्ट है कि ऐसा डिसीजन ऑलरेडी आ चुका होगा एंड हम सब उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और आशा करेंगे कि ये जो लॉकडाउन है वो जल्दी ख़त्म हो। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं दिखाई मैंने आपको आज या कुछ रिकमेंड नहीं किया है, बट कभी कभी ऐसा भी नॉर्मल बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो लोग नहीं जान पा रहे या थोड़ा बहुत, ऑल्दो यही हॉट टॉपिक है
और सब जो है वो कनेक्टेड है ही, बट फिर भी मुझे लगता है कि कहीं अगर एक आधा बंदा या कुछ कुछ ग्रुप जो है वो इसको देखकर अपने आप को थोड़ा बहुत और सचेत कर लेंगे इस चीज़ पे, तो हम सबके लिए ही फायदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कुछ मैसेज अच्छा लगा हो तो भी लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वी विल सी यू ऑन द अनदर साइड। दैट्स ऑल फ्रॉम डे नंबर 18। टेक केयर।